माइनक्राफ्ट एक ऐसा गेम जिसके अंदर बहुत सारे मॉब्स हैं, जिनमें से कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक तो कुछ बहुत ही पीसफुल हैं। पर इन्हीं माइनक्राफ्ट मॉब में से एक कैट का यूज करके मैं बनाने वाला हूँ एक ऐसा टाइम बॉम्ब, जिसका यूज करके मैं लॉयल एसएमपी के अंदर तबाही मचाने वाला हूँ। लेकिन क्यों? ये कहानी की शुरुआत होती है 20 मई 2023। ये टाइम था लॉयल एसएमपी सीजन 1 का, जब मुझे एक अननोन मेंबर का मैसेज आता है जिसे मैंने और मेरे एक फ्रेंड मोगेम्बो भाई ने मिलकर सॉल्व किया था, जिससे मुझे ये पता चलता है कि एक सीक्रेट सोसाइटी है लॉयल एसएमपी के अंदर जो मुझसे कुछ काम करवाना चाहती है, जिसके बदले वो मुझे बहुत सारा रिवॉर्ड दे रही थी। तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे उनके लिए बहुत सारे मिशन किए, कुछ लोगों से मरा और मैंने बहुत सारे लोगों को मारा। इतनी सारी चीज हो जाने के बावजूद भी मैंने ये फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं की इतने सारे मेंबर्स में से आखिर कौन है सीक्रेट सोसाइटी का ओनर, जो कि आगे चल के मेरी सबसे बड़ी गलती बनती है। तो आज से कुछ हफ्ते पहले लॉयल एसएमपी के एक मेंबर सिद्धार्थ और उसके टीम को मेरे सीक्रेट सोसाइटी के कनेक्शंस और मिशन के बारे में समहाउ पता चल जाता है। तो अब सिद्धार्थ और उसकी टीम बनाती है एक फेक सीक्रेट सोसाइटी, जिसके अंदर वो सीक्रेट सोसाइटी का मिसयूज करती है, जिसमें उन्होंने मेरा बेस फोड़वाया, मेरे से बहुत सारे कांड करवाए जो कि ऑलमोस्ट इलीगल थे। और ये सब हो जाने के बाद सिद्धार्थ ने मुझे फेक मिशन का नाम देके एक जगह बुलाया और वहाँ पे मुझे मार दिया। तो सिद्धार्थ ने अब कुछ ऐसा कर दिया था जिसके बारे में मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, और ये सारे केओस ने मुझे पूरा परेशान कर दिया था। लॉयल एसएमपी के मेंबर्स और सीक्रेट सोसाइटी के बीच में मैं कनेक्शंस ढूंढ रहा था, तभी जीरो का मुझे मैसेज आता है, वो मुझे लॉयल के स्पॉन पे बुलाता है। अरे जीरो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ बोलो, क्या हुआ? Have a deal for you? तुम देख पा रहे होगे सर्वर का स्पॉन बहुत खराब हो चुका है। मतलब स्पॉन तो बहुत ही हालत खराब कर दिया, किसी का घर टूट रहा है, कुछ भी टूट रहा है भाई। लेकिन क्या मतलब क्या है इससे, मैं क्या करूँ इसका? तो I want कि तुम पूरा स्पॉन सही करो। भाई मैं क्यों करूँ, इतने सारे लोग हैं सर्वर में, उनको बोलो भाई, मुझे क्यों बोल रहे हो? I will give you a wish book. भाई विश बुक क्या मतलब, नहीं समझा। वन विश जो फेयर हो। ओके मतलब कोई भी फेयर विश मैं मांग सकता हूँ। ओके ओके हम कर सकते हैं डील। वैसे आई नो कोई और ये डील ले लेगा, उससे पहले मुझे दे दो। ओके जीरो, मैं पूरा स्पॉन को एकदम मस्त बना देने वाला हूँ, एकदम क्लीन आउट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, और डील डन करते भाई मेरी तरफ से। ओके क्या हुआ? ओ बुक है। ओके ये क्या है? वन विश। ओ वन विश। ओके भाई जीरो लॉयल एसएमपी ओरिजिनल। ओके डन डन डन, ठीक है ठीक है ठीक है, जीरो हो जाएगा। तुम आओगे 2-3 दिन के अंदर, देखोगे पूरा स्पॉन एकदम क्लीन मिलेगा तुम्हें, एकदम साफ साफ कर दूंगा मैं। ब्रो जीरो ने मुझे विश बुक दिया है, मतलब इसका मैं कहीं पे भी फेयर यूज कर सकता हूँ। तो भाई तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं इसका क्या यूज करूं, मैं अगले वीडियो में जीरो से वो काम करवाऊंगा। और यस गाइस, अभी मुझे बस इस पूरे स्पॉन को क्लीन करना है और ये विश बुक मैं यूज कर सकता हूँ। भाई बहुत ज्यादा क्रेजी है चीज से, लेट्स गो, फटाफट से क्लीन करते हैं अपने स्पॉन को। तो गाइस फाइनली हमारा लॉयल एसएमपी का स्पॉन तैयार हो चुका है। तुम देखो कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है, पहले ये पूरा बिखरा बिखरा था, मैंने इसको एकदम मस्त कर दिया है। तो गाइस आई होप अब ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आए, और मैं चाहता हूँ यार लॉयल एसएमपी का पहले जो स्पॉन था हमारा सीजन 1 का, उससे भी ज्यादा इसे अच्छा बनाने का मेरा प्लान है। तो गाइस इतने सारे मेहनत के लिए जो मैंने लॉयल एसएमपी के स्पॉन पे किया, उसके लिए यार सब्सक्राइब तो बनता है यार। तुम में से बहुत सारे लोगों ने तो मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, मेरा 100K का सपना मुझे पूरा करना है। और हाँ गाइस, अभी जो तुम देख सकते हो वन विश बुक जो कि मेरे को जीरो ने दी थी, वो मैं यूज करने वाला, तो तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ मैं कहां यूज करूं और क्या विश मांगू जीरो से, और वो मैं यूज करने वाला हूं 50K सब्सक्राइबर पे। तो यस फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, और गाइस लाइक कर दो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया। तो आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं हमारा लॉयल एसएमपी का स्पॉन और अच्छे से। सो गाइस ये है अपना लॉयल एसएमपी का लोगो, और इसके नीचे अपना लॉयल एसएमपी का स्पॉन। ये देखो कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है, और यहां पे मैंने पाथवे लगा दिया है और बहुत सारी चीजें यहां पे ट्रीज लगाए हैं, और ये है अपना मीटिंग हॉल। तो यहां पे बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं और मीटिंग कर सकते हैं। तो ये मैंने बनाया क्योंकि जरूरत थी लॉयल एसएमपी के अंदर। और यस यहाँ पे एक मैंने फाउंटेन बनाया, एकदम सिंपल सा फाउंटेन है, बट यस अच्छा लग रहा था तो मैंने रख दिया। और यप दिस इज माय शॉप जो कि बनने वाला है, अभी टाइम लगेगा। और गाइस ये है अपना लॉयल एसएमपी का एक छोटा सा ब्रिज जो कि मैंने बनाया लॉयल एसएमपी के लोगों को कनेक्ट करने के लिए अपने लॉयल एसएमपी के स्पॉन्स से। सो या एक छोटा सा यहाँ पर मैंने सेटअप किया है, तो देखो कितना प्यारा लग रहा है, लेट मी शो यू। डैम ये कितना कूल लग रहा है, इसके नीचे से मैं जा सकता हूँ यप। और हाँ गाइस वहां पे मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कुछ तो क्रेजी, आओ दिखाता हूँ। सो यप स्पॉन पे एक सबसे अभी अनयूजुअल चीज हुई है, यहाँ पे किसी का तो बेस था और किसी ने इसको चोरी
चोरी कर लिया, उस पर कुछ लिखा हुआ है, तो तुम लोग पढ़ लेना स्क्रीनशॉट लेके। तो गाइस अभी के लिए तो स्पॉन जो है वो बन के कम्प्लीटली तैयार हो चुका है, और मैं चाहता हूँ कि सारे मेंबर्स जो है अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करें इस स्पॉन को बनाने में। मैंने तो थोड़ी बहुत फ्रेमवर्क तैयार कर दिया। लॉयल एसएमपी का स्पॉन फाइनली बन के तैयार हो चुका था, अब बस मुझे इंतजार था मेंबर्स के रिएक्शंस का, तो मैंने कुछ रिएक्शंस रिकॉर्ड किया। पहले तुम ये देख लो। यो यो रेक्सी भाई, हाँ बताओ। अरे भाई क्या है ये, क्या कर दिया स्पॉन को आपने, किया है? हाँ हाँ, बस थोड़ा बोरिंग लग रहा था तो मैंने बस मॉडिफाई कर दिया। अरे भाई बहुत अच्छा लग रहा है, इतना फ्री टाइम है भाई, अरे अच्छा लग रहा है भाई। अरे बस यार, बस कर दिया ऐसा क्यों, अचानक से क्यों, बट मतलब अभी अकेले। अरे बस मन में यार कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है यार, चिल बस बना दिया यार, बस यू नो आप भी कुछ कर लिया करो, इधर इधर कुछ बिल्ड विल्ड बना लो स्पॉन। अरे मैंने तो बनाया था, ऊपर चोरी हो गया। व्हाट? अच्छा वो जो बोर्ड है वो आप ही का था जिसने लिखा था, वो आपका चोरी हुआ है? और ये बताओ यार, वो क्या कहते हैं स्पॉन भाई कितना बढ़िया कर दिया ना, पहले भाई कितना हग्गू हो गया था भाई, मतलब हटे टूटे फूटे बिल्ड गए। अच्छा गेस कर किसने बनाया है वैसे, तू तो गायब था। वैसे बताऊ ना, जैसे डाकू गैंग का बेस जैसा बना हुआ है, ये एक ही जगह काम कर सकता है, वो है बल्कि भाई भाई उनके बिल्ड इतने अच्छे अच्छे। अबे क्या, अबे ये सब मैंने बनाया कुछ भी, वो भी अकेले वे। यप यप, पूरा डेकोरेट मैंने किया स्पॉन को। सही में? यप यप यप, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? एक नंबर लग रहा है भाई। पहले मैं कह रहा हूँ ना, इतना घटिया था यार, मतलब और अब इतना मतलब भाई ग्रेट सा लग रहा है यार, मतलब अच्छा लग रहा है। यप यप थैंक्स। दो देखो भाई, इसके लिए मैं आपको एक चीज देना चाहूंगा, एज मैं लॉयल एसएमपी का एक बहुत अच्छा सिटीजन होने के नाते मैं आपको ये खाली बोतल दूंगा जिससे आप पानी लेके जा सकते हो। वाह, नहीं नहीं वाह, लाओ लाओ लाओ, क्या बात। अरे मजाक करो, देखिए देखिए देखिए, एज मैं आपको एक हट देना चाहूंगा। क्या, आर यू किडिंग मी, आर यू किडिंग? अरे मैं बहुत अच्छा ग्राइंड गया हूँ, मतलब अभी अगर देखोगे मेरे 20 हर्ट्स पूरे हो चुके हैं। ओ डैम, ओके सुनो, अगर तेरे को कुछ भी हेल्प चाहिए मेरे को बता भाई, तूने हर्ट दिया मेरे को। अरे हर्ट के लिए तो कोई भी जो कुछ भी करने को तैयार है। स्पॉन बन जाने के बाद मुझे ये उम्मीद थी कि कोई ना कोई जरूर तो स्पॉन पे बिल्ड करेगा, और ऐसा ही हुआ। चैट गैंग की पूरी टीम एक शॉप बनाने वाली थी स्पॉन पे, और उसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने डी एक्सट्रीम को दिया था, बिकॉज वो बिल्ड्स अच्छा करता है। तो मैंने नोटिस किया कि डी एक्सट्रीम जो है वो बिल्ड कर रहा है स्पॉन पे। अब मेरे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि मैं ये शॉप बना के उसके अंदर सारा डिस्ट्रक्शन का एलिमेंट डाल दूं, ताकि जब मुझे मौका मिले मैं उस पूरे शॉप को उड़ा सकता हूँ। यो DX, क्या कर रहे हो यहाँ पे? अरे यहाँ पे मैं कुछ बिल्ड विल्ड का काम कर रहा था थोड़ा। बिल्ड भी शुरू हो गई क्या आप सर्वर में? स्पॉन सही होते ही, क्या बात है। अरे हाँ, मतलब मेरा एक्चुअली नहीं है, एक शॉप बना रहा था, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था मेरे को बनाने का। ओ अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट पे बना रहे हो? हाँ वैसे बिल्ड तो आप तगड़ा बनाते ही हो। किसने किसने दिया है कॉन्ट्रैक्ट, लाइक क्या है बनाना, क्या है शॉप? शॉप बनाना, शॉप बना। ओ, किसने दिया है वैसे? हाँ सिद्धार्थ के टीम ने दिया है मेरे को। सिद्धार्थ के टीम ने शॉप बनाने, भाई उनको बिजनेस करने का कब से चस्का चढ़ गया भाई, सर्वर में तो वो लोग कांड ही करते रहते हैं। अब मेरे को नहीं पता यार, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिला, मैं बनाने के लिए आ गया, बस सामान इकट्ठा कर रहा था अभी। अच्छा 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 ठीक है। अच्छा वो लोग जो भी पेमेंट क्या क्या दे रहे हो, पेमेंट वेमेंट दे रहे क्या तगड़ा? पेमेंट दे रहे, डिसेंट पेमेंट दे रहे, टाइमेंट वेमेंट दे रहे बस। ओके ओके DX, सुनो सुनो सुनो, अभी ना सर्वर में सब बिल्ड जो देख रहे हो तुम, ये सब मैंने किया है पूरा डिजाइन। पिछले कुछ दिन से बिल्ड ही किए जा रहा हूँ, तो ये भी मैं बना दूंगा, चिल मारो। बस आप मेरे को डिजाइन भेज देना, मैं कर दूंगा, कोई पैसे वैसे नहीं लूंगा, चिल मारो ठीक है। मेरे को बस मन किया तो यप यप मैं कर दूंगा। ठीक है ठीक है, चलो बनाओ बनाओ, जितना बनाओगे उतना बढ़िया। ओके ओके, मेरे को भी देख के अच्छा लग रहा है, फाइनली कोई तो एसएमपी में बिल्ड कर रहा है यार। लेट्स गो लेट्स गो, मुझे अगर सामान हो तो दे देना, वैसे मैं बना लूंगा, बस मेरे को फोटो भेज देना कि बनाना कैसा है। बस ट्रांसफर कर ही रहा था मैं, इसी के अंदर मिल जाएगा। ठीक है DX, फिर मैं बनते ही मैसेज कर दूंगा, आप उनसे ले लेना जो भी पेमेंट आपका होगा। ओके अरे अरे चलो, थैंक यू ब्रो, वेलकम ब्रो, बाय बाय। लैब को बनाने के लिए मुझे बेसिकली कुछ कैट्स चाहिए था, तो मैंने रोतेस को ऑलरेडी बोल दिया था, तो वो मेरे टेम्पररी बेस पे कैट्स ले आता है। हाँ रोतेस भाई किधर हो, आ गए लेके? हेलो हेलो सान भाई किधर हो, ये लो भाई आपकी बिल्ली है। अरे लेकिन ये तो बताओ क्या करोगे, क्या इतनी सारी बिल्लियों का? अरे भाई बस काम है भाई, आपको पैसे मिलेंगे इसके, ऐसा थोड़ी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है भाई नो प्रॉब्लम। ये थोड़ा सीक्रेट बेस है, दिखाना। हाँ यहाँ पे बस लगा दो, फेंस में लगा दो। इधर लगाना है क्या? इसमें इसमें देखो लग रहा है। ओके डन 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 डन। ओके हाँ ठीक है ठीक है, काफी मैं ब्रीड करा लूंगा। ये लो आसान भाई, बिल्लियों को पालने के लिए ये खाना खाना खिला देना, ठीक है? अरे क्या बात है, लाओ लाओ लाओ, दे दो दे दो, ये लो आपका आपका ये ले लो, फी ले लो। अरे भाई क्या बात है, हार्ट मिल गया, लेट्स गो, ये भाई काम की बात।
फाइनली शॉप बनके तैयार हो चुका है। डीएक्स से मैंने इसे अप्रूव करा लिया है। ये शॉप जो है हैंडओवर होने वाला है सिद्धार्थ को। अब देखो यार, मेरा कैलकुलेशन ये कहता है कि सिद्धार्थ को तो लग रहा होगा ये डीएक्स ने बनाया, और डीएक्स के साथ सिद्धार्थ का कोई भी पंगा नहीं चल रहा है, लेकिन इसे तो मैंने बनाया। तो इसके अंदर मैंने सारे सेटअप कर रखे हैं जो मुझे करना है। वो जानने के लिए तो मैं वीडियो के अंत तक पूरा देखना है कि मैंने इसके अंदर क्या किया है। बट ऊपर ऊपर से तो ये एक बहुत ही प्यारा सा शॉप है, तो मुझे बस इंतजार करना है कुछ दिन का, जब ये अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, अपने आर्मर जो भी लगाएंगे उसके बाद इनके साथ में लेने वाला हूँ बदला। अभी के लिए तो सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा है। अभी बस ये हैंडओवर करना है डीएक्स को और वो कर देगा सिद्धार्थ को। तो लेट्स गो, अभी बस इंतजार करते हैं। और ये स्पॉन के अंदर मैं देखता रहूंगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है, और सर्वर में जो शॉप है उसमें कितने सारे लोग हैं, और अगर उसमें सारे मेरे एनिमी हुए तो मेरा काम यहाँ पर हो जाने वाला है। तो अभी तो बस इंतजार करते हैं। यो युग, क्या हाल चाल? यो, कैसे हो आसान भाई? मैं तो मस्त हूँ भाई, बट तुम्हारा हाल बहुत बुरा चल रहा है। नो, क्या क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? यही देखो, बस सभी अनबैन होके आए हैं और अभी हम सिर्फ एक हर्ट में जिंदा है। मैंने देखा तुम्हारा हाल, तुमने बहुत सारी अच्छी चीजें की, लेकिन तुम्हारे साथ तो बहुत ज्यादा ही बुरा हुआ है। वैसे मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। क्या है भाई गिफ्ट के लिए? अरे यार, ये लो भाई, तुम्हारे इस अच्छे काम के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है, इसे रख लो। ये लो भाई, मजे करो। वो फुल सेट ऑफ नेदराइट आर्मर एंड नाइस। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। अरे वेलकम। और भी कोई हेल्प चाहिए तो बताना भाई, मैं तुम्हारे लिए हमेशा रहूंगा। श्योर भाई, श्योर। ओके युग, बाय बाय, मिलते हैं फिर। बाय बाय, मिलते हैं भाई, थैंक यू सो मच। ए, अब इनका हलचल मुझे दिख रहा है चैट गैंग वालों का। लेट्स सी, देखते हैं। ओ, आर्मर लगा दिया। ओ भाई, तीनों यहीं पे। हेलो, क्या हाल है भाई? हेलो, ठीक है। क्या लेना है भाई? एक सेकंड भाई, क्या बिजनेस खोल लिया भाई आर्मर का? क्या भाई, आपको क्या लगता है सिर्फ एक तुम ही हो इस सर्वर में जो बिजनेस खोल सकते हो? हैं? अरे नहीं, बात क्या चाहिए भाई, जल्दी बोलो और निकल लो भाई। आर्मर चाहिए तो बताओ भाई। अरे भाई, मतलब बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है क्या? फुल एकदम एटीट्यूड चाहिए भाई, कभी चले कॉपी गैम्बिट। शांत देखो भाई, तुम बिजनेस करने आए हो तो बताओ, क्योंकि आप भी कस्टमर हो। वी मैं बस देखने आया था कि कैसा चलता है बिजनेस। अच्छा सुनो, खरीदता हूँ, रुको, मुझे ये बताओ आप तीनों, मतलब तीनों ने बनाया ये, मतलब पार्टनरशिप किया या फिर क्या है, किसका ओनर कौन है इसका? कोई नहीं है भाई, ओनर 33.3%। अच्छा, ओके 33.3, ओके सही है। मतलब यार देखो, सिद्धार्थ भाई और कोबी भाई एंड गेमबीट, मैं सोच रहा था एक आर्मर शॉप मुझे करना था, और यार आप लोगों ने मुझसे पहले कर लिया यार। मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है यार, मतलब बढ़ने वाले नहीं हो क्या? कुछ पार्टनरशिप मिलेगा क्या? नहीं भाई, क्या मजाक कर रहा है भाई? चलो ठीक है, करो भाई अपना बिजनेस करो भाई, मैं तो चाहता हूँ चले बिजनेस करने। जा रहा हूँ एंटरप्रेन्योर का टाइम खराब करता है भाई। ए भाई, फालतू के लोग आ जाते हैं। जिसकी मुझे उम्मीद थी वही हुआ। पूरे लॉयल एसएमपी के अंदर एक सिंगल शॉप होने का फायदा ये हुआ कि सारे मेंबर चैट गैंग के शॉप पे जाने लगे और उनका बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो होने लगा। अब मेरे पास ये एक अच्छा मौका था उनसे रिवेंज लेने का। अभी के लिए मैंने सारा कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे बना दिया। तो ये जो बॉम्ब है ये कैट से बनता है, जो मैंने कैट रोते से लिया था उसका यूज करके कॉन्ट्रैक्शन मैंने बना दिया है। तो मैं तुम्हें थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बेसिकली देखो, यहाँ पे मेरा एक पेट कैट है जिसको मैंने लीस लगा के बांध दिया है, और ये यहाँ पे स्लैब के ऊपर है। तो देखो, जब तक ये खड़ा है तो चेस्ट जो है हम एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ पे एक पूरा ही कॉन्ट्रैक्शन लगा हुआ है। तो जैसे मैं सर्वर लीव करूंगा, ये जो कैट है ये बैठ जाएगा, और यहाँ से जो सिग्नल है वो आएगा, और यहाँ पे एक मैंने इन्वर्स सिग्नल लगाया है जिससे सिग्नल यहाँ पे बंद हो जाएगा और यहाँ से सिग्नल ऑन हो जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं TNT लगाऊंगा तो ब्लास्ट कर जाएगा, और ये सिग्नल तभी काम करेगा जब मैं सर्वर से बाहर जाऊंगा, मतलब लेफ्ट कर दूंगा। तो ये कॉन्ट्रैक्शन का यूज करके मैं टाइम बॉम्ब को एक्टिवेट कर सकता हूँ। और हाँ, इसकी एक खास बात ये है कि मैं इसको कहीं से भी डेटोनेट कर सकता हूँ, जिसको ये बहुत ज्यादा क्रेजी बना देता है। और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि कोई भी प्रूफ नहीं ला सकता है कि इसे मैंने बनाया, इसे मैंने डेटोनेट किया, क्योंकि जिस वक्त ये ब्लास्ट होगा उस वक्त सर्वर में मैं नहीं होगा। इसके लिए आओ पहले एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि क्या ये लॉयल में काम कर रहा है, मतलब चेक कर लेते हैं। तो अभी के लिए मैंने सोचा है कि मैं अपने फ्रेंड युग को बुलाऊंगा, जो कि जस्ट अनबैन हुआ है, उसका यूज करके हम ये कॉन्ट्रैक्शन जो है वो चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कॉन्ट्रैक्शन काम कर रहा है। हेलो, कैसे हो? बढ़िया। तो सुन युग, कुछ टेस्ट करने के लिए तुझे बुलाया हूं, तो अभी जस्ट इग्नोर कर सारी चीजों को। ओके युग, सो ये कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है? अभी बस तुझे बताना है कि कॉन्ट्रैक्शन काम किया कि नहीं, क्योंकि मैं सर्वर लीव करूंगा तुम्हें बता के। तो मैं यहां पे डाल रहा हूं स्टफ, एंड स्टफ मैंने डाल दिया है। इधर आयुग, इधर यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ TNT। ओके, अभी मैं सर्वर लीव करूंगा और तुझे बताने की क्या TNT फटा या फिर नहीं। रेडी? ओके, लीव कर दिया। ओ हुआ कुछ? अरे कैसे, अरे शिट, मैं ये काट दूं।
पर कैसे भाई आपके लेफ्ट होने से ही कैसे ही एक्टिवेट हुआ? या इट्स क्रेजी। काम कर गया क्या? आ रहा हूं मैं देखने। कर गया भाई, कैसे कैसे किया? चलिए फिर मैं यही चेस्ट करने आया था कि ये काम कर भी रहा है कि नहीं, वरना बहुत मेहनत लगी है मेरे को। ठीक है बढ़िया बढ़िया भाई। अरे ये बताओ कि वैसे यूज कहाँ पे करने वाले हो? बस पता चल जाएगा कुछ दिन में। ओके ठीक है ठीक है। एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट डन, युग ने इसे टेस्ट कर लिया और ये वर्क कर रहा है। सो बस अभी इंतजार है मुझे उनके बिजनेस का और अच्छा होने का और वो लोग ज्यादा अर्न कर लें ताकि वो लोग इमोशनली अटैच हो जाए अपने शॉप से, एंड देन फिर मैं करने वाला हूँ। अभी के लिए मैं जा रहा हूँ चैट गैंग के शॉप पे, आज इनका आखिरी दिन होने वाला है। यो चैट गैंग क्या हाल है? बढ़िया भाई बढ़िया बढ़िया भाई। आज फुल मैं प्रिपेयर हो गया हूँ। सबसे पहले तो ये लो भाई ऑर्डर, ये प्रिपेयर करना और उससे पहले मेरी कुछ बात सुन लो। इधर देखो मेरी आंखों में, पहले ऑर्डर लेना है कि बातें करना है? बताओ बात है, फालतू की बातें मत करो। 3 सेट्स ऑफ डायमंड आर्मर भाई, बिजनेस मैन है। नहीं सुनो सुनो सुनो, आज वो औसान नहीं आया है जो डेली आता है, आज थोड़ा अलग औसान आया है। तो सुनो, मैं देख रहा था गोपी भाई पिछले कुछ दिनों से आपका ये जो शॉप है बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत सारे लोग आ रहे हैं शॉप पे। एक मिनट नजर मत लगाओ, पैसा दो और निकलो। नहीं सुनो तो मेरी बात, आज से कुछ महीनों पहले सीजन 1 में लॉयल के मेरा एक पोशन शॉप था गोपी भाई, और उसे आप लोगों ने ही तोड़ा था, जिसकी वजह से मेरा पूरा बिजनेस बंद हो गया। बिजनेस उसमें बहुत अच्छा चलता था और आपने उसे तोड़ दिया था। मैं चाहता तो बदला उस समय अच्छे से ले सकता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मजाक तब आएगा जब सामने वाला बिजनेस कर रहा हो और मैं उसके बिजनेस को बंद कर। अब अरे धमकी देने आए हो क्या? अरे भाई धमकी नहीं, सीधा वार्निंग भी नहीं है भाई। सामान लेकर वापिस कलटू भाई। अभी सर्वर में कोई है भी नहीं, लौटना क्या? आई नो आप तीनों के अलावा कोई और नहीं है, और मैं अगर लड़ने भी जाऊँ तो आप तीनों से मर सकता हूँ, मैं गारंटीड बैन भी खा सकता हूँ। बट सुनो, आप में से एक और दोस्त है आपका महान सिद्धार्थ भाई, जिसने कुछ दिन पहले फेक सीक्रेट सोसाइटी बन के मेरे साथ बहुत कांड किया था और मुझे मार भी दिया। मेरी गलती थोड़ी भाई, तुम इतने गलीबल हो तो ब्रो, तुमने बस वो फायदा उठाया मेरा और उस मेरे साथ वो काम कराया जो मैं बिल्कुल सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम कराओगे, और तुमने मुझे लिजिट मारा ब्रो। तो आप लोगों ने मुझे क्या समझ लिया कि मैं ऐसे आसानी से छोड़ दूंगा? और हाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज, आपको पता होगा कि सामान खरीदने आया था ना। अरे सुनो सुनो सुनो, दुकान से बाहर था यहाँ। नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो सुनो, हो सकता है आज आप लोगों का आखिरी दिन हो तो कृपया अच्छे से सुन लो, बाद में मैं नहीं बताऊंगा। सुनो, आज मैं सोच रहा हूँ कि आप तीनों से एक साथ बदला लिया जाए और सारे जितने पुराने जितने भी बदले हैं वो एक साथ पूरा करने का मेरा प्लान है। जल्दी करो भाई, हिम्मत तो देखो भाई की। कब से बोल रहे हो? देखो भाई की बदला लेगा। अरे भाई कुछ हिम्मत है तो करके दिखाओ यहाँ पे। यहाँ से ओके ओके सुनो सुनो, थोड़ा पीछे हटना, कुछ दिखाना है आप लोगों को। ये देखो भाई लेके आ जाता है, बोलता है घर फोड़ूंगा। ओके भाई देखो, ये TNT तो बस तो मैं दिखाने के लिए था। ये लो, ये नहीं फोड़ रहा मैं TNT से, क्योंकि कुछ चीजें ऑलरेडी सेटअप हो रखी है। ये क्या कर रहा है भाई? इन थ्री लुक एट मी दोस्तों, इन थ्री टू इसको पकड़ के रखो, ये जाएगा ही नहीं तो फोड़ेगा कैसे? ये तो लीव कर दिया। वेट व्हाट, ये तो लीव कर दिया। अरे अबे व्हाट, अबे अबे हुआ क्या? अरे ओश भाई टूटम गया मेरा तो। क्या हो गया भाई? अरे गेम बेट भाई निकल वहां से। निकल गया वे मेरा पर लैंड ही नहीं कर रहा। ये हिला डाला ना, कैसी लगी दोस्तों? भाई देखो आपका शॉप टूटा है, इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि जब वो फटा था उस समय सर्वर में था ही नहीं। तालियां दोस्तों। नहीं मैंने तो धमकी दी नहीं थी कि आप मैं रहूंगा नहीं और फिर भी भूल जाएगा। वाह जी वाह, ये बताना एक्सक्यूज ऑफ द ईयर। अभी चलोगे तुम कोर्ट में? कितने घंटे माइन करके आर्मर बनाया था भाई। अरे बट ये तो बताओ औसान भाई, तुमने ये कैसे किया? लॉयल SMP में बिजनेस, वो भी मुझसे पहले। इट्स इम्पॉसिबल।